Hello. Assalamu alaikum to everyone and welcome to my another vlog. So guys, today I'm going to make a video on foreign food in China. Agar China mein dekha jaye to bahut zyada food hai, halal food bhi mil jata hai aur kuch log to ye poochte hain ki halal food yahan milna aasan hai ki mushkil hai. To is pure halal food pe main mazid video banaunga total. Aur aaj ke vlog mein hum log Arabic food khane ja rahe hain jo ki hamare city mein hai. Asal mein agar dekha jaye China mein kuch aisi cities hain jahan foreigner food mil jata hai, warna jidhar foreigner zyada ho wahan mil jata hai. तो इसी तरह अगर देखा जाए पाकिस्तानी फूड, इंडिया फूड, चाइना में जो भी लोग रह रहे हैं उनको पता है कि बहुत ही कम ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ ये फूड अवेलेबल होता है. तो ये आज जो मैं जा रहा हूँ ये अरेबिक फूड है. असल ये भी किसी फॉरनर ने पहले ओपन किया था और चाइनीज़ के थ्रू, तो वो तो अभी इधर नहीं है लेकिन चाइनीज़ ने उसे चला रहा है. तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ अरेबिक फूड और किस तरह का अरेबिक फूड होता है. एक्चुअली अरेबिक फूड इज़ वेरी डिलीशियस. अगर देखा जाए जब हम अगर अरेबिक फूड खाते हैं ऐसा लगता है जैसे अपनी कंट्री का खा रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के साथ मिलता जुलता है, टेस्ट इनका डिफरेंट चाइना का होता है. तो इसलिए तो इससे पहले हम लोग टाइम वेस्ट करें, हम लोग चलते हैं बाहर, उधर ही जाके मिलते हैं. असल में तीन चार दोस्त मेरे वहाँ पहुँच गए हैं और एक दोस्त को मैंने वहाँ से पिक करना है और हम लोग अरेबिक फूड वाली जगह पे जा रहे हैं. तो ठीक है गाइज, वहीं मिलते हैं. हियर वी गो. सर्दी आ नहीं रही गाइज, सर्दी आ चुकी है तो आज से फिर कैब में व्लॉग बना करेंगे. सो गाइज, आई जस्ट अराइव्ड एट माय यूनिवर्सिटी एंड आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड. इट्स जस्ट नियर टू आवर यूनिवर्सिटी अरेबिक फूड एंड आई थिंक इट्स 2 to 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी गेट. सो आई एम राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय फ्रेंड, ही विल कम एंड देन वी विल गो टुगेदर टू अरेबिक फूड एंड माय 3 फ्रेंड्स आर ऑलरेडी देयर एंड अदर्स आर कमिंग. This is my university. This is gate. One building. Number 2 building. Okay, this is flag of China. I hope you won't be able to see because it's night. And the other part of university on other side. So guys, due to cold weather, there are very few students outside around here. Very few students. It's very cold here. So in evening time, you will see very few students outside. But in the morning and afternoon time, there will be so many students outside. So this is our university gate or building, and here is Shisha Cafe. Shisha Cafe is the name of restaurant, okay? It's Arabic restaurant. So let's go there. ये है फूड स्ट्रीट जहाँ सारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स आके खाना वगैरह खाते हैं सुबह दोपहर और शाम. और जो उन्होंने कैफ़े बनाया शीशा कैफ़े उसका नाम है. तो इन्होंने जो अरेबिक रेस्टोरेंट बनाया वो इसके अंदर ही है दूसरी साइड में इधर. तो दो मेरे दोस्त, तीन दोस्त ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं. इन्हें मैंने 8 बजे का टाइम दिया था, खुद मैं 8:20 पे आता हूँ. तो इनका रिएक्शन मैं आपको भी दी. फहीम भाई अस्सलाम वालेकुम. नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे. सॉरी फहीम भाई, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ 20 मिनट. कोई नहीं ब्रो, तेरे लिए हम 1 साल भी इंतजार करते हैं. थैंक यू ब्रदर. मेरे लिए यार? हाँ तेरे. वाह साहब, शीशा कैफे में डिफरेंट देख रहे हैं. ये शॉर्मा, शॉर्मा राइस, शॉर्मा रोटी, रोटी भी मिल जाती है. बाकी ये इसके अलावा देखें शीप लेग, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर, शॉर्मा, फलाफल सैंडविच, फलाफल मील प्लस रोटी. तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ. और शीशा कैफ़े इसलिए इसका नाम रखा गया है. तो ये शीशा कैफ़े, इसमें ये सारी अरेबिक फूड है प्लस ये भी है, थोड़ा पाकिस्तानी समोसे वगैरह पाकिस्तानी से मिलता ही है सेम है. और इसके अलावा फास्ट फूड भी अवेलेबल है. सो वी ऑलरेडी ऑर्डर्ड 5 चिकन शॉर्मा बासमती राइस प्लस 1 चिकन बासमती राइस दिस वन. ये शॉर्मा बासमती राइस है और ये चिकन बासमती राइस और 2 पिज़्ज़े की है.
सो गाइस, ये छोटा सा व्लॉग था अरबिक फूड के बारे में, और असल में मैं ज़्यादा वीडियो तो बना नहीं सका, बस यही है कि आपको फूड दिखाना था कि इधर अरबिक फूड वगैरह मिलते हैं, किस तरह का अरबिक फूड होता है। ज़्यादातर ये पाकिस्तानी की ही, मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं होता टेस्ट, लेकिन पाकिस्तानी जैसा होता है और काफ़ी लाइक किया जाता है, फॉरनर काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। और जो चाइनीज़ तो बहुत कम आते हैं इस रेस्टोरेंट पे, आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इधर चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, अक्सर हम लोग इधर खाते हैं। तो बाकी तो मेरे दोस्त कुछ चले गए हैं और दो दोस्त अभी ये आ रहे हैं पीछे, तो बस इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था और इनसे भी करेंगे हम अलविदा। ओके ब्रदर्स, फिर मिलते हैं। ब्रो ऑलवेज वेलकम। ओके फिर मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, वो तो अभी चले गए और हम चलते हैं अब अपने घर की तरफ। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग, और मेरी वीडियोस देखते रहें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैंने एक पाकिस्तानी जो फूड है ना यहाँ खान बाबा बीजिंग में, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाने लगा हूँ। उस पर मैंने काफ़ी दिन से वीडियो बनानी थी, लेकिन वहाँ चक्कर नहीं लग रहा, इस तरह का टाइम नहीं बन रहा। तो जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं पाकिस्तानी फूड पर भी ज़रूर बनाऊँगा, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट इन बीजिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।